अब क्वेश्चन है थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट. व्हाई डिड सच अ लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स अटेंड द इनॉग्रेशन? व्हाट डिड इट सिग्निफाई द ट्रायंफ ऑफ? इतने सारे इंटरनेशनल लीडर्स जो हैं क्यों इस इनॉग्रेशन को अटेंड करने आए थे और ये जो है किसकी जीत को दर्शाता है? बीइंग अ पार्ट ऑफ द इनॉग्रेशन सेरेमनी द इंटरनेशनल लीडर्स शोड अ जेस्चर ऑफ सॉलिडैरिटी फ्रॉम द इंटरनेशनल कम्युनिटी टू द कॉन्सेप्ट ऑफ द एंड ऑफ अपार्थाइड. इस इनॉग्रेशन सेरेमनी का हिस्सा होने का मतलब क्या था कि जो इंटरनेशनल लीडर्स हैं उन्होंने एक अपना जेस्चर दिखाया कि सबके सब जो है इंटरनेशनल कम्युनिटी से जो है सब लोग जो है एक तरह से एक साथ है ताकि ये जो अपार्थाइड का कॉन्सेप्ट है इसको खत्म किया जाए, भेदभाव जो है रंग को लेकर इसको खत्म किया जाए. ऐसे में सारे इंटरनेशनल लीडर्स जो है वो साथ थे. दिस सिग्निफाइड द विक्ट्री ऑफ द गुड ओवर ईविल एंड द ट्रायंफ ऑफ अ टॉलरेंट सोसाइटी विदाउट एनी प्रेजुडाइज एंड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द कास्ट कलर एंड क्रीड. ये जो विक्ट्री है ये दर्शाती है कि एक ऐसे बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत हुई है और एक ऐसे टॉलरेंट समाज की जीत है जिसमें कोई भी भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन ना हो कास्ट कलर और क्रीड को लेकर या पहले से धारणा ना हो. व्हाट डज मंडेला मीन व्हेन ही सेज ही इज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स हु हैड गॉन बिफोर हिम? मंडेला ने जब ये बात कही कि वो जो है सिंपली एक सम है उन सारे अफ्रीकन पेट्रियट्स का जो उनके पहले इतने से जा चुके हैं, उसका मतलब क्या था? By saying this, he is simply the sum of all those African patriots. Mandela offers his tribute to all the people who have sacrificed their lives in favor of the struggle for freedom. ये कहने का मतलब मंडेला का ये था कि वो अपनी एक तरह से ट्रिब्यूट दे रहे हैं उन सारे लोगों को जिन्होंने अपनी जिंदगी को सेक्रीफाइस कर दिया इस फ्रीडम स्ट्रगल के लिए. He says that he shall always remain grateful and thankful to those who had gone before him because those freedom fighters have paved the path of cooperation and unity for him. वो ये कहते हैं कि वो हमेशा grateful रहेंगे, thankful रहेंगे उन लोगों के लिए जो उनसे पहले जा चुकी है, क्योंकि उन freedom fighters ने उनके लिए एक तरह से cooperation और unity का रास्ता तैयार किया था या उनके लिए रास्ता खोला था. Therefore, Mandela felt that when he comes to power, he would bring equality among his people along with their support and cooperation. तो मंडेला का ये मानना था कि जब वो पावर में आएंगे तो वो समानता लाएंगे अपने हर एक इंसान के लिए अपने सपोर्ट और कोऑपरेशन की मदद से. Would you agree that the death of oppression create the height of a character? आप क्या बात इससे सहमत हो कि जो डेथ होती है ऑपरेशन की वो हाइट ऑफ अ कैरेक्टर को क्रिएट करती है? How does Mandela illustrate this? Can you add your own examples to this argument? अब Mandela ने इस बात को कैसे समझाया और अपने खुद के आप examples दे सकते हो इस argument को ज़्यादा better proof करने के लिए. Yes, I agree with the statement that the death of oppressors do create heights of character. मैं इस बात से सहमत हूँ. Nelson Mandela illustrates this by citing examples of great heroes of South Africa such as Oliver Tambo, Walter Sisulu, Chief Luthuli's Yusuf Dadus, Bram Fischer's, Robert Sobukris, among others who inspired other people by sacrificing their life in the long struggle for freedom. ये सब जो हैं वो महान साउथ अफ्रीकन हीरोज थे जिन्होंने लोगों को इंस्पायर किया अपनी खुद की लाइफ को सेक्रीफाइस करके तभी जाके इस फ्रीडम को हासिल कर पाए. In India pre-independence era there was a galaxy of great leaders who didn't give up the oppression of British rule, such as Netaji Subhash Chandra Bose, Mahatma Gandhi, Sardar Vallabh Bhai Patel, Lala Lajpat Rai, Chandrashekhar Azad, Bhagat Singh and many more. हमारे यहाँ भी इंडिपेंडेंस से पहले बहुत सारे ऐसे महान लीडर्स हुए जिन्होंने ब्रिटिश रूल के खिलाफ जो है अपने को हिम्मत नहीं हारी और जैसे इन सब नेताओं ने जो है पूरी तरह से फ्रीडम स्ट्रगल में अपनी एक तरह से जान निछावर कर दी तब जाके देश आज़ाद हुआ. Nelson Mandela seems to be absolutely right if we compare them with the quality of political leaders that India is having today. और Nelson Mandela पूरी तरह से इस बात में सही है अगर हम तुलना करें कि जो quality political leaders की इंडिया की आज है उसके हिसाब से अगर हम compare करें तो शायद Nelson Mandela बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. How did Mandela's understanding of freedom change with age and experience? Mandela की जो understanding थी समझ थी freedom को लेकर वो एक एज और एक्सपीरियंस के साथ कैसे बदली? विद एज एंड रिच एक्सपीरियंस मंडेला अंडरस्टूड द एसेंस ऑफ फ्रीडम इन एवरीवन्स लाइफ. जैसे जैसे अनुभव होता गया, जैसे जैसे उनकी एज बढ़ी उससे उनको एहसास हुआ कि जो फ्रीडम है उसकी क्या महत्वता होती है हर एक की जिंदगी में.
As a young boy, he always thought that he was born free and could do anything that he wanted. एक यंग बॉय के नाते उन्होंने हमेशा ये सोचा कि मैं एक आजाद पैदा हुआ हूँ और कुछ भी कर सकता हूँ जो मैं चाहूँ. He strongly believed that as long as he obeyed his father and abided by the customs of his tribe, he was free in every possible way. उनका ये मानना था कि जब तक वो अपने फादर की बात को मानते हैं या जो भी उनके ट्राइब के कस्टम्स हैं उनको फॉलो करते हैं तो वो हर तरीके से फ्री है. However, as he grew older, he started feeling that freedom was required to raise a family and to earn a livelihood. This started dominating his thoughts and views. पर जैसे जैसे बड़े होते गए उनको ये समझ में आने लग गया कि फ्रीडम की ज़रूरत किस लिए है, ताकि फैमिली को गढ़ा कर सके, अपनी जीविका कमा सके, और ऐसे में उनके ऊपर ये सब विचार जो है अब थोड़े से हावी होने लगे. In due course of time, he realized that he was selfish and was leading an illusionary life during his boyhood. तो इस सब के बीच में उनको जो है इस चीज़ का एहसास हुआ कि अभी तक वो जो ज़िंदगी जी रहे थे वो काफ़ी स्वार्थ भरी थी, एक भ्रमात्मक जिंदगी थी जो वो बॉयहुड से जीते आ रहे थे. He slowly understood that it was not just his freedom alone that was being curtailed, but the freedom of all the black people was retrenched. उनको ये भी समझ में आने लगा कि ये खाली उन्हीं का ही फ्रीडम नहीं था जिसको छीन लिया गया था, बल्कि सारे ब्लैक लोग जो हैं उनके फ्रीडम को जो है उनसे छीन लिया गया था. Mandela understood that this is people were being deprived and discriminated, and this led him to develop a hunger for the freedom of his people. और मंडेला को ये बात समझ में आ गई कि जो लोग हैं उनके, यानी कि जो साउथ अफ्रीकन लोग हैं, वो पूरी तरह से वंचित हैं, उनके साथ भेदभाव हो रहा है, और इस वजह से ही उनके अंदर जो है अपने लोगों को फ्रीडम दिलाने की एक जो हंगर थी उसने डेवलप किया. हाउ डिड मंडेलास हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ. अब मंडेला का ये जो हंगर फॉर फ्रीडम था इसने कैसे उनकी ज़िंदगी बदल दी. ड्यूरिंग हिज यूथ मंडेला रियलाइज दैट इट वॉज नॉट जस्ट हिज फ्रीडम अलोन दैट वॉज बींग कर्टेल्ड बट द फ्रीडम ऑफ ऑल ब्लैक. जब मंडेला यंग थे तो उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि खाली उन्हीं का ही जो फ्रीडम है वो उनसे नहीं छीना जा रहा, बल्कि सारे ब्लैक लोगों का फ्रीडम जो है उनसे छीन गया है. द हंगर फॉर हिज ओन फ्रीडम बिकम द हंगर फॉर द फ्रीडम फॉर ऑल हिज फेलो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. अपने खुद के लिए फ्रीडम का जो हंगर था अब वो उनके सारे और जो साथ के भाई बहन थे, यानी उनके जो कंट्री के लोग थे, उनका भी फ्रीडम एक तरह से उनके लिए हंगर बन गया था. इन द प्रोसेस दिस चेंज द फियरफुल मैन टू अ बोल्ड रेबल. अब इस पूरी प्रक्रिया में क्या हुआ, वो जो एक डरे सहमे से इंसान थे अब वो उसकी जगह एक बहुत ही बोल्ड रेबल बन गए, यानी अब उन्होंने बगावत करी. मंडेला सैक्रिफाइज द कम्फर्ट ऑफ अ सेटल्ड फैमिली लाइफ टू फाइट फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज कंट्रीमैन. और मंडेला ने अपने जो खुद की एक ऐशो आराम की जिंदगी थी उसको छोड़ा और तब जाके उन्होंने अपनी कंट्रीमैन की फ्रीडम के लिए लड़ना शुरू किया. He joined the African National Congress and this changed his perspective from a frightened young man into a fearless person who fought against the racial prejudice and color discrimination. उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन करी, इससे उनका नज़रिया बदला. अब वो एक बहुत ही डरे सहमे यंग मैन से बदल कर बहुत ही बोल्ड इंसान बन गए थे जो कि रेशियल प्रेजुडाइस और कलर डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ लड़ रहा है.